पूर्व विधायक दिलीप सिकाव द्वारा कई आरोप हम पे लगाए गए। मैं उस संबंध में पूर्व विधायक जी को अवगत कराना चाहता हूँ। जब से आपका टिकट पार्टी ने फाइनल किया है, जब से आपको नर्मदा शिप्रा की जगह नर्मदा गंभीर परियोजना के सपने आने लगे हैं, क्योंकि नर्मदा शिप्रा योजना में नागदा के उद्योगों के पानी के प्रावधान भी था, जिसमें आप लगातार ये प्रचारित कर रहे हैं कि ये मेरा द्वारा स्वीकृत कराया गया है। और निःशुल्क से जब इस योजना की प्राथमिकता तय करने गए थे, तो आप ग्रेसिम ने विशेष अतिथि के रूप में आपको नागदा से भोपाल तक ले जाया गया था। और योजना में पहले चरण में इस योजना के अंतर्गत इसको स्वीकृत करने की आप लोगों ने ग्रेसिम अधिकारी के साथ चर्चा की थी। बड़ी विडम्बना की बात है, ना तो ग्रेसिम ने अभी तक इस योजना के लिए पानी के लिए वो करा, 2200 करोड़ 15 करोड़ रुपए की इस योजना है। इस योजना में उज्जैन, नागदा, तराना, घोसला, घटिया, मक्सी, शाजापुर सभी इसमें पेयजल और उद्योग के लिए पानी की आवश्यकता, उसमें नागदा भी सम्मिलित था। नागदा की योजना पहले स्वीकृत हो इसके लिए आप लोग गए थे। यदि उद्योग यदि उसको पानी नहीं लेता है, तो निश्चित रूप से ग्रेसिम ने तो अभी तक आवेदन भी नहीं दिया कि वो जिनके लिए आप लोग गए थे, तो कम से कम जनता का करोड़ों रुपये हजार व्यर्थ जाएगा, तो निश्चित उसकी जवाबदारी कौन होगा, इस पर भी आप विचार करें। दूसरा, जो हमारी नर्मदा गंभीर परियोजना है, उसके लिए हम लगातार रहे। हमारे मंत्री सुखदेव पासे जी भी आए थे, उन्होंने कहा था आपने कभी कोई प्रयास किया हो तो बताएं, तो मैं उनको अवगत करा रहा हूँ कि क्षेत्र की हर योजना के लिए मैं लगातार सक्रिय रूप से लगा रहता हूँ। आप तो कुछ डॉक्यूमेंट्स भी दिखाते हैं, यूँ करके दिखा के यूँ वापस रख देते हैं, परंतु मीडिया को कभी आप अपने प्रूफ सहित जानकारी नहीं देते। और हम जो योजना है, तो 22 तो इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र की पेयजल योजना है, इसलिए आप चाहते हैं कि अभी तक कई बार हमने विधानसभा में भी लगाया और कई बार इसका हमने अखबार के माध्यम से जनता को होगा, आपको उस समय तो आपको याद नहीं है। जैसे ही आपका टिकट फाइनल हो गया, तो आपको इस योजना की एकदम याद आ गई कि ये तो श्रेय ले रहा है और जनता के मीडिया के माध्यम से आए और उसको इस बात के लिए प्रयास करने लगे कि इसका श्रेय हमको नहीं मिले। इस योजना के लिए हम लगातार लगे रहे। दूसरी बात, आपने ये कही कि हमने गलत तरीके से विधानसभा क्वेश्चन, भैया आपके मंत्री जी, जब हमारे दोगरे जी ने विधानसभा में प्रश्न लगाया था कि आपने नागदा की जनता को नागदा शिप्रा नर्मदा योजना का चंबल से जोड़ दिया था, नागदा चंबल योजना का नाम दिया था, उस बात के लिए क्वेश्चन लगा था, उस बात के लिए आपके मंत्री जी भारतीय जनता पार्टी के मंत्री लाल सिंह यादव ने विधानसभा में जवाब दिया था कि नर्मदा चंबल नदी की ऐसी कोई योजना नहीं, नर्मदा शिप्रा योजना है। आपने जनता की गुमराह करने के नर्मदा का पानी लिया, इसमें कृषि को हमारे किसानों को सिंचाई के लिए कोई प्रावधान नहीं। अभी विधानसभा में हमने इस बात को उठाया कि यदि उद्योग यदि पानी नहीं लेता है, तो उसको उस पानी का उपयोग हमारे किसानों को दिया जाए, इसकी योजना बनाई जाए। अभी हमारे ग्रामीण क्षेत्र में सभी योजनाओं का काम तेजी से चल रहा है जल मिशन के अंतर्गत। जब ये पानी नर्मदा गंभीर, इसके लिए हम लगातार, जब हम ये बता रहा था कि पीएचई मंत्री सुखदेव पासे जी आए थे, उन्होंने 22 गांव की पेयजल योजना का उद्घाटन किया था, उस समय भी हमने इस बात को उठाया था। तो हम लगातार पहले से ही मैं इस बार योजना में लगातार लगा हूँ कि हमारे क्षेत्र में नदियों का पानी आए और हमारी पेयजल समस्या हल। मेरा पूर्व विधायक जी से अनुरोध है कि जो बात आप कर रहे हैं वो पहले भी आप 20 में भी कर चुके हैं। आप कई बार वो एक ही बात को कई बार रिपीट करते हैं और मीडिया भी के सामने कोई प्रूफ नहीं करते, मीडिया भी आपकी बातों को सच मानकर जनता के सामने ले जाती है, परंतु आप कितने हैं। जिस प्रकार से मोदी जी नेहरू जी के बारे में बात करते हैं, वैसे भी आप दिग्विजय सिंह जी के बारे में बात करते हैं, दिग्विजय सिंह जी के ये हो गया दिग्विजय सिंह, भैया हमको तो भविष्य में देखना कि न पीछे की ओर देखना है। आपने ये एक बात कही, तेज कुमार सैदव जी ने कहा था कि वो कभी नर्मदा का पानी शिप्रा में नहीं आ सकता,
मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अपने की जो अटल बिहारी वाजपेयी ने जो भारत में नदियों को जोड़ने की योजना बनाई थी उसमें नहरों के द्वारा एक दूसरे को कनेक्ट करने की योजना थी जो कि असंभव थी, उसके बारे में बोला होगा आपने, कोई प्रूफ नहीं दिया कि दिग्विजय सिंह जी ने कहा। आप चाहें तो नर्मदा का पानी पाकिस्तान भी ले जा सकते हैं पाइपलाइनों के माध्यम से, ये तो उज्जैन तो बहुत पास है, नागदा तो बहुत पास है, तो पाइपलाइनों के माध्यम से आप गूगल सर्च करेंगे तो कई से भी बड़ी बड़ी योजनाएं नर्मदा पानी के अन्य स्थानों पर ले जाई गई है। सिर्फ यही छोटी मोटी योजना है जिसका आप बढ़ चढ़ कर जनता को गुमराह करते रहते हैं। एक बार पुनः क्षेत्र की जनता से अनुरोध है कि झूठ को समझे कि भारतीय जनता पार्टी का झूठ बोलो, झट बोलो, जोर से बोलो, ये हमारे पूर्व विधायक जी का सिद्धांत है और बार बार उनको कई बार हम सही बात अवगत भी करा देते हैं परंतु उस बात को फिर वापस रिपीट करते हैं कि पता नहीं उनको इस बात से क्या मजा आता है कि सच्चाई वो खुद भी जानते स्वीकार करते हैं मन में परंतु जनता के सामने अपनी बात पर अड़े रहते हैं और लगातार इस बात के प्रयास करते हैं कि हमको हर बात की अलग से, जबकि हम उनको उनकी कई बातों के प्रूफ सहित उदाहरण दे चुके हैं परंतु थोड़े दिन बाद साल छः महीने बाद वही बातों को दोहराने लग जाता है। जनता भी उनकी बातों को समझती है वो कितने सच बोलते हैं कितने झूठ बोलते हैं और हम कितने सच बोलते हैं और कितने झूठ बोलते हैं, जनता दोनों को जानती है, दोनों के चरित्र को भी जानती है। तो जनता निःशुल्क से आप कितने भी बकवास कर लें परंतु जनता को जो समझना है वही समझेगी, आपके कहने से जनता झूठ को सच और झूठ को सच को झूठ नहीं मान लेगी। एक बार पुनः अनुरोध है कि आप सच्चाई के साथ रहें और ईमानदारी के साथ रहें और जनता की, आपने सब बातें तो कह दी उन्होंने, नागदा को जिला बनाने के संबंध में क्या कार्रवाई कर रहे हैं, आप पूछते हैं कि ये पुल का काम नहीं हुआ, इसका जवाब मैं पहले भी कई, ये रोड का काम नहीं हुआ इनका जवाब मैं पहले भी कई बार दे चुका हूँ परंतु आपकी आदत में तो आप बार बार रिपीट करते हैं। आप ये बताइए मुझे, आप मुझसे पूछते तो मैं भी आज जनता आप मीडिया के माध्यम, जब 13 में मुख्यमंत्री जी ने नागदा को जिला ही बनाने की घोषणा करी और उस समय आप विधायक थे, 13 से 18 में भी शिवराज जी मुख्यमंत्री थे, 13 से 18 के बीच में आपने ये गजट नोटिफिकेशन की कार्रवाई क्यों नहीं करवा ली, मंत्रिपरिषद का प्रस्ताव क्यों नहीं पास कर लिया, तो वो उसका जवाब जनता को देना, क्या एक गटर नालियों के पीछे आप लोग पड़े रहते हैं, जो जनता के हित के मुद्दे हैं उसमें बात करें। आप देखें तो आज नागदा में जीते, चाहे तहसील हो, चाहे न्यायालय हो, चाहे SDM कार्यालय हो, चाहे रजिस्टर कार्यालय हो, सभी कुछ तो हमारे द्वारा स्वीकृत करा है, चाहे चंबल नदी का पुल हो, चाहे कई विकास कार्य गिनाए हैं, तो विधायक लेवल के कार्य हम नहीं करें, आप लोगों ने तो सिर्फ जनता को मूर्ख बनाने का काम किया है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप सच्चाई के साथ अपनी बात कहें तो जनता भी उस बात को स्वीकार करेगी, पर जो झूठ के साथ तो ऊपर से नीचे तक एक बात आप लोगों को सिखाए, झूठ बोलो, झट बोलो और जोर से बोलो, भारतीय जनता पार्टी का मूल सिद्धांत है। ना आप महंगाई की बात करते हैं, ना बिजली कटौती की बात करते हैं, ना सूखे की बात करते हैं, सिर्फ बात करते हैं तो अपने हितों की बात करते हैं, उद्योग के हितों की बात करते हैं। आपका ये क्षिप्रा जो योजना है वो एक अलग योजना है और ये गंभीर जो योजना है ये अलग योजना है। निःशुल्क से आप देखें कि ये योजना है जो उसमें नर्मदा क्षिप्रा योजना 2215 करोड़ की है, इससे अन्य स्थान अलावा आपका उज्जैन, शाजापुर, मक्सी अन्य स्थान भी है उसमें, उसमें उद्योग के लिए और पेयजल के लिए दोनों के प्रावधान है। और जो ये यहाँ पर ये गए थे उज्जैन में भोपाल प्लेन में उद्योग ग्रेसिंग के प्लेन में इस बात के लिए कि हमारे ये पानी पहले नागदा जैसी भी योजना तो पहले से स्वीकृत थी, उसमें प्रावधान था उद्योग को पानी देने का, परंतु योजना हम पहले चरण में ये काम लिए इसके लिए गए थे और ये बात बार प्रचारित करते हमने योजना को स्वीकृत करा दी, योजना तो पहले से स्वीकृत थी। ये गंभीर और नर्मदा गंभीर परियोजना वो बहुत पहले से 17 योजना है नर्मदा नदी के, चाहे शाजापुर हो, चाहे उज्जैन जिला हो, 4-5 जिले की ये योजना है और इसका ग्रामीण क्षेत्रों में जब पानी की समस्या हो पाइप के द्वारा पानी पहुंचाने का है और उसके जनता को पेयजल उपलब्ध कराने की योजना है।